क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पेटीएम ओडीआई ट्रॉफी का पांचवा ओडीआई मुकाबला 2012 में खेला गया था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों, आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका की शुरुआत इस मुकाबले में काफी भयंकर थी। सलामी बल्लेबाजों से लेकर निचले क्रम के बल्लेबाजों तक काफी खतरनाक बल्लेबाजी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 438 रन लगा दिए थे सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, आपको बता दूं, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय टीम के इस मुकाबले में बल्लेबाजी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। जहां इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने तूफानी प्रदर्शन किया तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने भी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जब बात आई महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर तो उन्होंने आखिरी में अच्छी लड़ाई की, लेकिन फिर भी इस मुकाबले में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और मात्र 27 रन ही बना पाए। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे ने भारतीय टीम को कुछ देर तक जिंदा तो रखा था, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य को देखते ही भारतीय टीम की हिम्मत टूट गई। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 214 रनों से मात दे दी थी। दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, यह मुकाबला अभी तक इतिहास में भी लिखा गया है, क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में भारतीय टीम मात्र 224 रन ही बनाई थी। जहां इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने 438 रन जड़ दिए थे तो वहीं भारतीय टीम इस मुकाबले मात्र 224 रन पर ही ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को पूरे 214 रनों से जीत लिया था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में भारतीय टीम को काफी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद हो तो दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिकेट की